भारत में सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां मन को मोह लेने वाले दृश्यों से भरपूर पर्यटन स्थल और तीर्थ हैं, वहीं है यमुना नदी के किनारे बसा ऐतिहासिक नगर इटावा। अब इस इटावा को एक नई पहचान मिल गई है और ये बनने जा रहा है देश का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन। संभावनाओं के प्रदेश उत्तर प्रदेश के इटावा में अब तैयार हो चुका है इटावा सफारी पार्क। आगरा से मात्र 123 किलोमीटर दूर इटावा बाईपास के पास ही बहुत ही भव्यता के साथ इटावा सफारी पार्क को विकसित किया गया है। भव्य प्रदेश द्वार एंट्री गेट पर बनी शेरों की दो विशालकाय मूर्तियां जो मन को मोह लेती हैं, और रॉक थीम पर बना बहुत ही बड़ा एंट्री गेट, एंट्री करते ही वाहनों के लिए एक बड़ी और एक छोटी पार्किंग। सफारी पार्क में प्रवेश करते ही दाहिनी ओर सेना के दो टैंक खड़े हैं। ये टैंक हमें भारतीय सेना के गौरव का एहसास कराते हैं और याद दिलाते हैं कि देश की रक्षा के लिए भारत के वीर सैनिक सीमाओं पर सदैव मुस्तैदी से खड़े हुए हैं। बाई ओर खड़ा है भारत की जीवन रेखा, भारतीय रेल का इंजन। सफारी पार्क जंक्शन आने वाले सैलानी सबसे पहले यहीं खड़े होकर अपनी सेल्फी क्लिक करते हैं। यहां आने वाले सैलानी वाइल्ड लाइफ को नजदीक से देखें, समझें और अनुभव कर सकें, इसीलिए इटावा सफारी पार्क में बहुत ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त 4D थिएटर बनाया गया है। वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्चर से बने इस सफारी में आकर आप यहां बहुत ही सुकून और मनोरंजन प्राप्त करेंगे। हर मौसम में फूलों से गुलजार रहने वाले हरे भरे पार्क और खूबसूरत फव्वारे, कृत्रिम झरने बनाए गए हैं, तरणताल और पॉन्ड बनाए गए हैं। आप आराम से बैठकर नजारे का आनंद ले सकें, इसके लिए खूबसूरत हट्स बनाई गई हैं। आप अपने सामान की फिक्र छोड़कर आराम से सफारी में घूम सकें, इसीलिए आपके सामान की सुरक्षा के लिए क्लोक रूम बनाया गया है। सोविनियर शॉप, जहां से आप सफारी से जुड़ी कुछ चीजें यादगार के रूप में खरीद सकते हैं। सफारी में आने वाले टूरिस्टों को उनकी पसंद का भोजन और अल्पाहार प्राप्त हो, इसलिए खाने पीने के लिए सुविधा संपन्न कैफेटेरिया बनाए गए हैं। इटावा सफारी पार्क और यहां उपस्थित वन्य जीवन के इतिहास से जुड़ी चीजें और ऐतिहासिक साक्ष्य भी आप देख सकें, इसलिए यहां एक म्यूजियम भी बनाया गया है। सफारी भ्रमण हेतु जनान व बस सेवा उपलब्ध है। गाड़ियों में सवार होने के लिए सभी टूरिस्ट पिकअप पॉइंट पर पहुंचते हैं। इस पिकअप पॉइंट के पास बहुत ही सुंदर पुल बना हुआ है। यहां पुल के पास आकर टूरिस्ट कुछ समय अवश्य ही रुकते हैं। सफारी वन में एंटर होने से पहले बहुत ही रोमांचकारी टायर बाथ बनाया गया है। वन में जाने से पहले यहां से गुजरते हुए गाड़ियों के टायर पानी से धुल जाते हैं। इटावा सफारी पार्क प्रकृति का मनोरम संगम। ये वन दुर्लभ जीव जंतुओं, पक्षियों के साथ साथ दुर्लभ वनस्पतियों का भी आश्रय स्थल है। ये वन सिर्फ यहाँ निवास करने वाले पशु पक्षियों को ही जीवन नहीं देता, अपितु हम मनुष्यों के जीवन को भी सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ जंगल में बब्बर शेर को अपने परिवार के साथ स्वतंत्रता पूर्वक स्वच्छंद विचरण करते देख बचपन में सुनी हुई जंगल के राजा शेर की कहानियां सच लगने लगती हैं। बचपन से ही हम लोग वन एवं जंगल में जंगल के राजा शेर के विषय में कहानियां सुनते आए हैं। वो कहानियां हमारे मन मस्तिष्क में पूरी तरह छाई रहती हैं, और धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तब ये महसूस करते हैं कि हाँ, इन शेरों को जंगल का राजा क्यों कहा गया। देखिए, जंगल के राजा का असली भूमिका थी कि पूरे फूड पिरामिड को, पूरे जो खाद्य श्रृंखला थी उसके पिरामिड पे सर्वोच्च स्थान पे स्थापित होकर के अपने पूरे चेन को व्यवस्थित रखना। जिस जंगल में शेर महफूज हैं उस जंगल की समझे सबसे धनी जंगल है वो। पूरा एक जंगल की श्रृंखला जो बनती है वो नीचे घास से शुरू होती है और शेर पे जाके खत्म होती है। आज इनके संरक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत है। वास्तव में शेर वन में अन्य वन्य जीव
और वनस्पतियों के साथ रहते हुए इस प्रकृति को संतुलित बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। इसी कारण से भारतीय लोक कथाओं में शेर को मुख्य पात्र बनाया गया। ये संतुलन सदा बना रहे तभी इस धरती की विविधता और सौंदर्य बना रहेगा। मानव के साथ साथ हर जीव का आश्रय बचा रहेगा और सबसे खास बात, हमारे मन की शांति भी बनी रहेगी। इस प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के उद्देश्य से इटावा सफारी पार्क, इसे पहले फिशर वन के नाम से जाना जाता था, वन विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा किए गए प्रयासों से आज फिशर वन इटावा में इटावा सफारी पार्क को विकसित किया जा रहा है। आज अगर बबर शेर देखे जाए तो मात्र गुजरात के गिर के जंगलों में सीमित होकर रह गए हैं। भारत के अलावा और कहीं स्थानों पर नहीं पाए जाते हैं। एशियाटिक लायन की एक सैटेलाइट पॉपुलेशन की परिकल्पना इटावा लायन सफारी में की गई। ये लायन सफारी प्रथम दृष्टि में ब्रीडिंग सेंटर के रूप में स्थापित किया गया। इस ब्रीडिंग सेंटर में शेरों के प्रजनन से जो बच्चे पैदा होंगे वो सफारी क्षेत्र में छोड़े जाएंगे या अन्य जगह वापस भेजे जा सकते हैं। इसके पीछे मुख्य मुहिम यह रही है कि अगर कभी कोई बीमारी या कुछ ऐसी चीज़ें फैलती हैं जिससे गिर के जंगल प्रभावित हों, तो ऐसी स्थिति में एक सैटेलाइट पॉपुलेशन इटावा में होगी जो कि बचाने, जो पूरी प्रजाति को बचाने में कामयाब रहेगी। सफारी में आने वाले सैलानियों के लिए लायन सफारी के साथ साथ कई अन्य रोमांचकारी आकर्षण के केंद्र बनाए जा रहे हैं। इटावा का ये सफारी पार्क आज जैसा दिखता है ये उससे बिल्कुल ही विपरीत था। चंबल और यमुना नदी के आसपास का ये क्षेत्र किसी समय में खतरनाक बीहड़ के रूप में प्रसिद्ध था। इस स्थान का नाम ही एक भयानक आभास कराता था, लेकिन ये स्थान सदा से ऐसा नहीं था। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। सन 1979 में इटावा के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री जे एच फिशर ने सरकार और इस बीहड़ क्षेत्र के जमींदारों के मध्य संयुक्त वन प्रबंध का प्रस्ताव रखा। इस भूमि को और अधिक क्षरण और अवनत होने से बचाने के लिए 1104.07 हेक्टेयर के इस बीहड़ क्षेत्र को यहाँ के जमींदारों ने जिला अधिकारी श्री जे एच फिशर को सौंप दिया। फिर सन 1884 में इस क्षेत्र में बबूल, शीशम और नीम का वृक्षारोपण आरंभ किया गया और चराई बंद कराई गई। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वृक्षारोपण है। श्री जे एच फिशर के कारण ही इस वन का नाम फिशर वन पड़ा। प्राकृतिक असंतुलन और पर्यावरण के क्षरण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बहुत चिंतित थी, इसीलिए सरकार ने फिशर वन को वन्य क्षेत्र के उस रूप में विकसित करने का निर्णय लिया जिसमें प्रकृति को भी जीवन प्राप्त हो। 2013-14 में इटावा फिशर वन में इको रेस्टोरेशन कार्यक्रम के अंतर्गत विलायती बबूल के वनों को हटाकर उनके स्थान पर चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों का रोपण कार्य आरंभ किया गया और फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस स्थान को इटावा सफारी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। और अब यहां पार्क में लायन सफारी के सहित 5 सफारी विकसित किए गए हैं। एशियाई बब्बर शेरों के लिए लायन सफारी, तेंदुओं के लिए लेपर्ड सफारी, रीछ भालुओं के लिए स्लॉथ बियर सफारी, काले हिरन और चिंकारा के लिए एंटीलोप सफारी, सांभर और हिरणों के लिए डियर सफारी। इटावा सफारी पार्क के 350 हेक्टेयर क्षेत्र को सिर्फ लायन सफारी के लिए आरक्षित किया गया जिसमें अभी 6 नर, 2 मादा व 3 शावक बब्बर शेर सहित कुल 11 बब्बर शेर उपलब्ध हैं। सुबह हम लोग आते हैं, जानवर चेक करते हैं, बाड़ाला चेक करते हैं हम लोग कि जाली कोई टूटी तो नहीं है, कोई ऐसी तो नहीं है इंजरी। उसके बाद जो इनकी एक्टिविटी वाला प्रोग्राम होता है, इंगेजमेंट करवाना हुआ या और भी चीज़ें हमको करवानी हुई, वो हम लोग करवाते हैं। उसके बाद फिर इन लोग हम रिलीज़ करते हैं। इंगेजमेंट हम लोग इसलिए करवाते हैं ताकि इनकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज होती रहे और एक इन्वायरमेंट मिलता रहे इनको, जंगल जैसा थोड़ा सा बिजी जैसा, बिजी नहीं रहते हैं वहाँ पर, यहाँ बिजी नहीं रह पाते, थोड़ा यहाँ बिजी रह सकते हैं। इन एशियाई बब्बर शेरों को प्राकृतिक रूप से निवास प्रदान करने के लिए घेरबाड़ आदि करके विकास कार्य किया जा रहा है।
बब्बर शेरों के वंश को बढ़ाने के लिए प्रजनन केंद्र भी बनाया गया है। यहाँ पिछले एक साल में शेरनियाँ 3 शावकों को जन्म दे चुकी हैं। इन शावकों में 2 जुड़वा हैं। बब्बर शेर सफारी 50 सेक्टर क्षेत्र में स्थापित है। यह केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जब 2 प्राइड बन जाए या न्यूनतम 10 शेर हो जाए तो ये सफारी चालू मानी जाएगी और पर्यटकों के लिए खोली जा सकती है। आज की संख्या में इनमें 8 शेर हैं हमारे पास। हाँ, आने वाले दिनों में शेरों की संख्या बढ़ना पूर्ण संभावित है। दूसरा पक्ष आता है एंटीलोप सफारी का। एंटीलोप हिरण की कई प्रजातियां हैं, उनको तो हिरण के सेक्टर में रखा गया है जिसमें चीतल भी हैं, सांभर भी हैं, लेकिन एक एंटीलोप एक अलग है। कुलाँचे भरने वाले जानवर, कुलाँचे भरने वाले वन्यजीव, इनके लिए 25 सेक्टर क्षेत्र चिन्हित किया गया है, उसमें वो कुलाँचे भरते हैं। पब्लिक को, स्थानीय नागरिकों को, हमारे छात्र भाइयों को, हमारी युवा पीढ़ी को एक नए रूप में ये इटावा देखने को मिलेगा। भालू सफारी, भालू सफारी इस समय 3 भालू यहाँ पे हैं। भालू सफारी में चारों तरफ से पर्यटकों को घूमने के लिए रिंग रोड बनी हुई है। भालुओं के अपने संवर्धन के लिए बेहतर सुविधाएं दी गई हैं, झूला, मचान, माद, इन सब को पूरी तरह स्थापित किया गया है। उनके शहद चाटने की जगह हर चीज़ निर्धारित कर दी गई है ताकि भालू नॉर्मल कोर्स में जाकर किस तरह जंगलों में रहते हैं वो देखने के अप्रतिम सौभाग्य मिलेगा। बब्बर शेरों के साथ साथ अन्य जीव जंतुओं को भी अपना वंश बढ़ाने के अनुकूल वातावरण प्राप्त हो, इसीलिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। लेपर्ड सफारी में 4 तेंदुए हैं, स्लॉथ बियर सफारी में 3 रीछ भालू हैं। आशा है कि आने वाले दिनों में इन तेंदुओं और भालुओं के वंश में भी वृद्धि होगी। हम लोग इनको सुबह मॉर्निंग में 8 बजे खोलते हैं। खोलने से पहले पूरा बाड़ा चेक करते हैं। चेक करने से के बाद हम लोग इसको एंडिशमेंट की तैयारी करते हैं, एंडिशमेंट कराते हैं। हम लोग शेड्यूल वाइज चलते हैं, जिस दिन जो सा शेड्यूल होता है उसके हिसाब से चलते हैं। किसी दिन कभी हम लकड़ी का, कभी सब्जी, कभी शहद, कभी गन्ना, इस प्रकार से नए नए दिन नए नए प्रकार के एंडिशमेंट हम लोग कराते हैं। इन केस अगर कोई एनिमल बीमार हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमारे बाड़ों के अंदर स्कूजर बने हुए हैं, तो डॉक्टर साहब उनको जो है स्कूज करने के बाद उनका उपचार करते हैं। उपचार करने के बाद इनको जो है डॉक्टर साहब फिर से दोबारा रिलीज कर देते हैं। रिलीज करने के बाद फिर उनको बाड़े में छोड़ दिया जाता है ताकि इसको कुछ देर देखा जाता है कि इनकी एक्टिविटी कैसी है, कि सामान्य व्यवहार है या व्यवहार में कुछ चेंज हुआ है, और नॉर्मल व्यवहार होने के बाद फिर पुनः इनको बाद में ही बाड़े में बंद कर दिया जाता है। बिहेड़ में कटीले वनों के बीच फूलों और जड़ी बूटियों की सैकड़ों प्रजातियां हैं। यहां विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों के साथ 12 तरह के सरीसृपों की प्रजातियां भी निवास करती हैं, जिनमें सांप, बड़ी छिपकलियां और पाइथन हैं। इस इटावा सफारी पार्क में 192 प्रजातियों के पक्षी स्थायी रूप से निवास करते हैं और सर्दियों के दिनों में 46 प्रजातियों के विदेशी पक्षी भी प्रवास करने आते हैं। यही नहीं, इस वन क्षेत्र में 42 प्रकार की तितलियों की प्रजातियां भी हैं। इन सभी जीवों के जीवन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र वातावरण प्राप्त हो, इसीलिए इन सभी पर सीसीटीवी कैमरा द्वारा निगरानी रखी जाती है। इसमें 50 हेक्टेयर क्षेत्र प्रदर्शनी, पशु आवास, प्रजनन केंद्र, मार्ग, पशु अनुभाग, ऑपरेशन थिएटर, डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ साथ सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से संपन्न पशु चिकित्सालय, कर्मचारी आवास और जनसंपर्क जैसी आधारभूत संरचना के लिए विकसित किया जा रहा है। चिकित्सा के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ केजेज, जैसे ट्रीटमेंट केजेज, स्क्वीज केजेज, ट्रैप केजेज, ट्रांसपोर्ट केजेज एवं इसके अलावा जो है रिमोट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जैसे ब्लो पाइप, डार्ट गन्स, डेन इंजेक्ट गन्स, लाइफ सपोर्टिंग मेडिसिन, एनेस्थेटिक मेडिसिन, डार्ट सिरिंजेज आदि की इत्यादि की व्यवस्था है। शेष क्षेत्र को भी बब्बर शेरों के निवास स्थल के लिए विकसित किया जा रहा है। इस चमक दमक भरी दुनिया में आप कितना भी आधुनिक हो जाए, चाहे कितने भी सुख प्राप्त कर ले, लेकिन प्रकृति के बीच रहने का आनंद कुछ और ही है।
आप सपरिवार यहां आकर उस आनंद को अनुभव करें। इसीलिए सैलानियों के मनोरंजन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे जैसे मनुष्य आधुनिकता में खोकर तेजी से अपने शहर बसाता जा रहा है, उसी तेजी से संसार भर में शक्ति के प्रतीक स्वरूप माने जाने वाले बब्बर शेरों की संख्या कम होती जा रही है। एशियाई बब्बर शेर, जिन्हें भारतीय शेर और जंगल का राजा भी कहा जाता है, उनके साथ साथ विलुप्त होती जा रही अन्य जंगली जीव जंतुओं की प्रजातियों को बचाने की जरूरत है। वन में बब्बर शेरों के साथ अन्य जंतुओं का होना और उनकी संतति में वृद्धि होना बहुत जरूरी है। अगर शेरों के साथ ये भी बढ़ेंगे तो इन वनों का संतुलन भी बना रहेगा। इस प्रकृति को बचाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की सरकार इटावा सफारी पार्क को विकसित करने के लिए कृत संकल्प है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के इटावा का नाम अब अंतरराष्ट्रीय पटल पर इटावा सफारी पार्क के नाम से भी जाना जाएगा। अब आप जब भी अपनी छुट्टियां प्लान करें तो इटावा सफारी पार्क आने का प्लान जरूर बनाएं। आप फिशर वन आकर यहां कुछ सुकून भरे दिन बिता सकते हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का नाम पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व पटल पर छाने वाला है। यही नाम इटावा सफारी पार्क के नाम को विश्व के कोने कोने में प्रसिद्धि प्रदान करेगा।